हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 2022 अल्टो के 10 मारुति सुजुकी की तरफ से ये लॉन्च होने वाली अपकमिंग जो सेगमेंट कार बोल सकते हैं अपन इसको, तो ये है अल्टो के 10 2022। और चलिए तो बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं फ्रंट में कुछ ऐसे मैसिव ग्रिल अपडेट किया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये हेडलाइट का कुछ लुक चेंज किया हुआ है। हेडलाइट कुछ हेलोजन में हेडलाइट, हेलोजन में इंडिकेटर, और उसी के साथ आपको ये कुछ आपको रेडिगो का। उसके बाद आपके पास है मारुति सुजुकी का लोगो इंटीग्रेट किया हुआ है, मैसिव ग्रिल है और ग्रिल के साथ नंबर प्लेट इंटीग्रेटेड है, और वेंटिलेशन के लिए नीचे कुछ चीज़ें दी हुई है। ये है वाशर फ्लूइड का नोज़ल। और उसके बाद आप देख सकते हो साइड इसका प्रोफाइल। और उसी के साथ ये जो मारुति सुजुकी का अल्टो के 10 वर्जन है, ये आता है आपको के 10 सी। ये इंजन इसमें है जो कि यूज़ किया हुआ है एस्प्रेसो में, और ये 89 BHP की हॉर्स पावर, 69 BHP की हॉर्स पावर और 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। और इसके साथ आपको व्हील्स मिलते हैं जो स्टील रिम, वो है टायर अपडेट हो चुके हैं, ये है 13 प्रोफाइल के, तो 13 इंचेस का ये व्हील साइज है। और उसी के साथ अपन आगे बात करते हैं इसके बोथ द साइड्स, ये हेलोजन फेंडर पे हेलोजन इंडिकेटर दिया हुआ है, ये ORVM। उसी के साथ में अपन देख सकते हैं आगे कुछ ऐसा कुछ लुक दिया हुआ है। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 3.5 लाख से शुरू होके 5-5.5 लाख तक जाने वाली है। रियर से ऐसा कुछ लुक दे चुकी है मारुति सुजुकी। और ये आपको रिमाइंड करता है जैसे कि न्यू जनरेशन वाले सिलेरियो। और ये टॉप इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं है, हेलोजन में हेडलाइट टेल लाइट्स दिए हुए हैं, बोथ दी हेलोजन। और उसी के साथ रियर पार्किंग लाइट्स, पीछे सुजुकी का लोगो, अल्टो के 10 की बैजिंग